हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए फाइनल मतलब एंड सीरीज लेके आया हूँ, जो आप लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वो है हमारा बलून एस्केप। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर पहले मतलब एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसको काटना है, ये बच चुका है लेकिन इसको मैंने काट दिया, ठीक है। और सीजर मैंने यहाँ पर फेंक दिया, मतलब इसको काटना ही था यहाँ से। और ये अब सोता ही रहेगा, बिकॉज़ अभी हमें जो है ना वो बहुत कुछ यहाँ पर काम करना बाकी है। और हमें जाना है उस मतलब उसके पास, जहाँ पर जो है वो एक खिड़की लगा हुआ है और डोर है। और फाइनली हम बलून स्किप करने वाले हैं यार, मतलब क्या बात है। और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ ये डोर खोलने के लिए। क्या डोर खुलता है? नहीं खुलता, इट इज़ ब्लॉक। तो कब खुलेगा भाई? सारे काम हो चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा। ओ मुझे लगता है मुझे वो लेके आना चाहिए, हमारा मास्क। हमें अभी तक मास्क, हमें इस वक्त मास्क नहीं पहना हुआ। तो मुझे याद है हमने मास्क कहाँ पर छोड़ा था, और वो मास्क पहन के उसके बाद जो है ना वो खोलेंगे डोर। मतलब ये भी बड़ा सीक्रेट है। तो यार सच बताऊँ तो मतलब बहुत लेट हो गया मुझे इसका बलून स्किप करते हुए, और कई सारे प्रॉब्लम्स थे। और इस वक्त भी हमारा इजी मूड में है, लेकिन वहाँ पर जो है एवल नन फंस चुका है। और ये है हमारा मास्क। आई थिंक कि उसने पहले हमें यहाँ पर मारा था, इसलिए हमारा मास्क यहाँ पर गिर चुका था। देखो एवल यहाँ पर फंस चुका है। मैं इसके करीब नहीं जाऊँगा, वरना करीब जाऊँगा तो ये मुझे मार देगा। देखा, यहाँ पर एवल फंस चुका है। ये पता नहीं क्या है, गेम में ग्लिच है, पता नहीं क्या है। तो खैर इस पे हमारा कोई काम नहीं है, हमें जो है अपना काम करना है और फाइनली बलून स्किप करना है। और मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ। तो यार मतलब बड़े इश्यूज़ आए यार, मुझे इस वीडियो को इतना लेट नहीं करना चाहिए था। और इस सीरीज़ को जो है ना मैंने बहुत ही अच्छे से खेला है, तो आप इस सीरीज़ के वीडियोस देख सकते हैं। एवल नन का हमारे पास ख़ास एक मतलब, ये देखा ये खुल गया, एक ख़ास प्लेलिस्ट है। ये कह रहा है कि कम इन हियर, तो आप यार उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आदमी है कई सालों से, मतलब ये यहाँ पर रह रहा है। हेलो 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 अंकल, क्या हाल है अंकल? आपको क्या हुआ? आप यहाँ पर कब से आए? मुझे 30 साल हो गए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं उस बच्चों को निकालना चाहता हूँ लेकिन कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा। अंकल मैं आ गया हूँ, मैं आपका हेल्प करूँगा। मैं क्या करूँ बताओ? आपको यहाँ पर एक, मैं एक पेपर देता हूँ, वो आप क्रिएटर बॉय को दें। ठीक है अंकल, आप पेपर दें, मैं क्रिएटर बॉय को देता हूँ। ये लो पेपर। ये लो पेपर। हाँ मुझे पता है कि आप ये काम अच्छे से करोगे अंकल। मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगा, आप मुझे पेपर दें। और अपना ख्याल रखना अंकल, आपको एवन लेने कहीं तो मारा नहीं ना? नहीं मारा लगता है, मुझे लगता है नहीं मारा। ओ ये देखो, ये हमारे पास एक जादू आ गया। हो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास बहुत ही पावर आ गया। जब पेपर उठाओ अंकल, उस एवन लन से बच के रहना आप। तो यार मैं जा रहा हूँ उस पेपर को लेके क्रिएटर बॉय के पास, और क्रिएटर बॉय कहाँ होगा ये तो मुझे अभी नहीं पता। देखेंगे बाहर क्या मतलब काम लेगा। वाह ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया हो गया। ये तो एक मैजिक हो गया, मैजिक, दैट्स इट मैजिक। ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं है यार, क्या है पता नहीं है, लेकिन इस मास्क का बड़ा ही पावर है यार। तो यार मुझे कहाँ पहुँचना है? मुझे पहुँचना है क्रिएटर बॉय के पास। ओके तो मैं क्रिएटर बॉय की तरफ जा रहा हूँ। और तो और क्रिएटर बॉय मुझे मिलेगा कहाँ ये तो वक्त ही बताएगा। तो यार मुझे यहाँ से जाना है क्रिएटर बॉय के पास, लॉन्ड्री वाले डोर से। ओके तो यहाँ से जा रहा हूँ मैं। ये आ गया लॉन्ड्री, और ये डोर बंद है। ये डोर बंद है, क्यों बंद है? खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये क्यों नहीं खुल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन अब जाकर आगे देखते हैं। मतलब एक और रास्ता है, वहीं से जाना ही पड़ेगा। जल्दी कर यार, मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
हेलो गाइस, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पर ये प्लैंक लगा हुआ है। ये प्लैंक को निकालना पड़ेगा, पता नहीं, लेकिन इसका जो है ना, इस मैजिक का, ये से काम, इस चीज़ का यूज़ करना मुझे थोड़ा कम आता है, इसलिए जो है मुझे बहुत स्लो स्लो जाना पड़ता है। और हम पहुँच रहे हैं अपने रूम की तरफ, और यहाँ से मुझे जाना है इस साइड। और मतलब ये इतना चलाना ईजी होता तो क्या मज़ा होता यार, लेकिन पावर बहुत ही अच्छा है, इसका पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टोर को ओपन करो और यहाँ से जाओ, और यहाँ से इस कोने में पहुँच गए मैं, और ये हमारा रूम है, और यहाँ पर पहुँच गए बहुत जल्दी। स्टोर को ओपन करो, स्टोर के उस तरफ प्लैंक भी लगा हुआ है, क्या वो हट जाएगा? मे भी वो हट जाएगा बटन। हाँ यार, वो प्लैंक हट चुका है, सॉरी, हमें जाना नीचे, हम ऊपर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इसको क्लोज करने जा रहे हैं, सॉरी, वुड प्लैंक लगा दिया मैंने। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे, वहाँ पर जहाँ से हमारा सुराग है, उस रास्ते से हम जा रहे हैं। हॉल है, हॉल, सुराग में हॉल है। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, चलो 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 यार, यहाँ से चलो। और क्या यहाँ से जा पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा, यहाँ से भी नहीं जा पाऊँगा, थोड़ा आगे चलना होगा, ये हमारा काम नहीं करता यहाँ पर अच्छे से। और मैं पहुँच गया यहाँ पर, और मुझे यहाँ से क्रिएटर बॉय की तरफ जाना है, और उसको ये पेपर भी देना है। और हमारा कहाँ है क्रिएटर बॉय? क्रिएटर बॉय कहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? अच्छा, ये भी एक मतलब सीक्रेट हो सकता है, अगर हम इसको सीक्रेट कहें तो मतलब ये भी सीक्रेट हो सकता है। क्या यार, मतलब नया गेमर्स को नहीं पता ना, वो सब सीक्रेट होता है। अच्छा, क्रिएट पर इसको चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये पेपर उठा के आ रहा हूँ, ये पेपर हाथ में नहीं आ रहा। ओके, तो ये क्या लिखा है, एयर ट्रांसपोर्ट ब्लू पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो यार क्या करना होगा, मुझे नहीं पता, इस बच्चों को यार इस नन से छुड़ाना पड़ेगा। ये नन जो है वो बहुत ही खतरनाक है, इज़ वेरी डेंजरस। और हमारा मास्क गिर गया यहाँ पर, हमारा मास्क गिर गया, इसका चार्ज खत्म हो गया, और मैं इसको चार्ज अभी कहाँ पे लगा क्या हूँ। और यार मुझे 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 यहाँ पर एक कोड मिला था, क्या है वो कोड? यहाँ पर है वो कोड, तो यहाँ पर ही होगा, लेकिन मुझे जो है इस मास्क को चार्ज करना होगा। और क्रिएटर भाई इन लोगों को भेज रहा है, ये सीधे सही चल नहीं पाते। ओ, वहाँ पर सब लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हो भाई, थोड़ा आगे जाओ। ओके, ये डोर क्लोज है, इसके लिए ये आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो यार मुझे रास्ता दो, मैं जाऊँ यहाँ से, यहाँ से मुझे रास्ता दो, मैं स्टोर को खोलना चाहता हूँ। यार ये गलती हो गई मुझसे, ये कि डोर लॉक है और ये सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हो गए, और यहाँ से मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे स्टोर को पहले खोल लेना चाहिए था, मुझे जो है वो मुझसे गलती हो गया यार। अब क्या होगा, मुझे लगता है अब मुझे ये गेम फिर से खेलना होगा। और मतलब यहाँ से यार मुझे इसको नहीं मतलब बंद करना चाहिए था, ये बंद भी कैसे हो गया मुझे नहीं पता। और अब इस मास्क को भी रिचार्ज करना है, तो यार मैं क्या करूँ, और कोई रास्ता भी नहीं है, और कोई रास्ता है? क्रिएटर भाई अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, हिला रहा है। ओके, तो यार मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ से रास्ता दो, मैं इस डोर को खोल के देता हूँ आप लोगों को। तो यार हमारे सारे बच्चे यहाँ पर फंस चुके हैं, और तो और ये हिल भी नहीं पा रहे हैं। तो यार मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना होगा, मुझे गेम नई सिरे से स्टार्ट करना होगा, और फिर यहाँ पर पहुँचना होगा। मैंने इस मतलब सीरीज़ के ऊपर फाइनली मतलब लास्ट है ना, उसके ऊपर खास तौर पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा। और वो कहते हैं ना, मेहनत का फल जो है ना, वो बहुत ही मीठा होता है। मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और मुझे जो है वो यहाँ से फिर से गेम ये खेलना होगा। और तो और ये लोग रास्ता भी यहाँ से नहीं दे रहे हैं, तो यार मैं यहाँ से गेम को मतलब फिर से खेलता हूँ। ओके, तो यार मैं वही पेपर लेके यहाँ पर आ गया क्रिएटर भाई के पास, और मुझे जो है वो फिर से ये गेम खेलना पड़ा, बिकॉज़ वो वहाँ से नहीं हिल रहा था। और ये अब क्रिएटर भाई जाएगा और उन लोगों को बोलेगा कि यार बाहर जाओ, इनका हेल्प करो, और जो है ये हमारा हेल्प कर रहा है, और ये हमें एवलन से निकालने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हैमर हैं, बहुत सारे टूल हैं यार, ये भी सब सीक्रेट हैं यहाँ पर मतलब दीवार पर लगे हुए हैं। और यार हमारा ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, ये हमारा बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना, बच्चों को मतलब वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये देखो, सब गिर के नीचे आते हैं, ऊपर कोई नहीं चढ़ रहा, बिकॉज़ ये हमारा फ़ोन का मसला है, ये मेरे फ़ोन का मसला है, इसलिए ये कोई ऊपर नहीं जा रहा। फ़ोन का मसला कैसे है, मतलब ये इतना ज़ोर नहीं लगा पा रहा है कि इन बच्चों को ऊपर मतलब भेज दे। अब ये सारे इकट्ठे एक साथ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गिर रहे हैं, सारे गिर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, ऊपर जाओ ना, आप लोगों को क्या करना है, ऊपर जाना है, और मतलब वहाँ पर आप लोगों को अपना काम करना है, और मुझे भी अपना काम करना है। जल्दी करो यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो ना, मुझे और भी काम करना है, और तुम लोग ये है कि ऊपर भी नहीं जा पा रहे हो।
जल्दी जाओ यार, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो यार ये क्या कर रहे हैं लोग? अच्छा मैं इन लोगों को थोड़ा ऊपर भेज के फिर आता हूँ। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और इन लोगों को रास्ता देता हूँ, तो ये लोग जा पाएंगे पता नहीं, लेकिन मुझे जो है सामने से हटना पड़ेगा, बिकॉज ये फ़ोन जो है मेरा वो मुझे नहीं दिखाना चाहता कि ये बच्चे किस तरह ऊपर जा रहे हैं, और मतलब फ़ोन पर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। तो यार मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, लोगों का हेल्प भी कर लेता हूँ। अच्छा ये क्रिएटर बॉय जो है ना वो सबसे पहले जा रहा है। चल क्रिएटर बॉय, क्रिएटर बॉय, चल क्रिएटर बॉय। और क्रिएटर बॉय घूम रहा है यहाँ पर, और क्रिएटर बॉय सबसे आगे निकलता हुआ जा रहा है। क्रिएटर बॉय ये रेस का मैदान नहीं है, जो आप जो है सबसे आगे जा रहे हैं, इन सब लोगों को लेके जाओ ना। और ये लोग जा रहे हैं बड़े ही खुशी के साथ, खुशी के साथ जा रहे हैं। और ये जो साइड वाला नन है ये सो के ही सो रहा है मतलब। ओ हेलो मैम, और बच्चे कहाँ हैं भाई, और बच्चे कहाँ हैं आप? ये देखो भाई इस तरह जाओगे तो कब 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 हो। अच्छा तो ये बच्चे जा रहे हैं बहुत ही स्लो स्लो और आगे पीछे होते जा रहे हैं। और यहाँ से यार जल्दी जाओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अब सही से जा रहे हैं, अब लेन बना के जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पहले था भाई कि ये लोगों के लिए मुझे जो है कितना मेहनत करना पड़ा, दिक्कत पहले था, अब ठीक है, सही है। जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और यहाँ पर ये गाड़ी किसने लगाया भाई? अच्छा गाड़ी पीछे किया, और ये मेरे ख्याल से वही बंदा है जो अंकल था, और कौन कर सकता है, नन तो ऐसा कर नहीं सकता। और ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि नन का रास्ता बंद हो जाए और ये उस तरफ क्या बना पाए, बलून, बलून बना पाए। हाँ ये बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है। और गाड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले गाड़ी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है अब। जल्दी जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो? और लगता है मुझे भी इन लोगों के साथ वहाँ उस तरफ जाना होगा पड़ेगा। तो क्या अंकल मैं भी जाऊँ? हाँ तू जाना। ओके मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं आना है। देखो कि इसने फिर से गाड़ी वहाँ पर लगा दिया और ये भी उतर के चला गया। तो यार मैं इन लोगों को यहाँ पर लेके आया, और मतलब मुझे यहाँ से वहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने फिर से ये गेम खेला है। और दूसरा बात ये कि यहाँ पर आग लेना बहुत ही मुश्किल था, तो मैं बड़े मुश्किल से आग ले आया, ठीक है, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यार इसलिए जो है ना वो यहाँ से थोड़ा बहुत कट हो चुका है। ओके तो भाई बलून हमारा तैयार हो चुका है और हम यहाँ से स्किप करने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था फायर लाने की, तो वो जो है ना मतलब बड़ी मुश्किल से मिला है। ये हमारा फायर चल रहा है ऊपर, और मुझे यहाँ से निकलना है अभी, बच्चों को लेके इसके साथ निकलना है। तो यार फाइनली हम बलून स्किप करने वाले हैं। कैरेक्टर भाई बैठ बैठ भाई। अच्छा ये मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, तो मुझे खुद जाना होगा अंदर। तू भी चलना, क्या कह रहा है, क्या मतलब तेरा मतलब क्या है? मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को आना है तो आओ, वरना मत आओ, मुझे तो जाना है। तू क्या कह रहा है? अच्छा इसके ख्याल से एक बच्चा रहता है, क्या बोलता है तू यार? एक बच्चा रहता है हमारा, ठीक है यार उस बच्चे को लेके आते हैं। वो कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मतलब इस अंकल को ये भी पता है कि यहाँ पर एक बच्चा रहता है? यार मुझे एक बात बताओ, ये पहले किसको पता था कि यहाँ पर बच्चे हैं वो मतलब किडनैप हुए हैं? किसको पता था? किसी को भी नहीं पता था। और अब ये मतलब हम उन बच्चों को छुड़ाने के लिए भी आ चुके हैं, और उन बच्चों को छुड़ा कर जाएंगे एवल नन से। और यार मुझे जो है वो कहाँ बच्चा मिलेगा? यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है। ओ नो, तो यार इस बच्चे को लेके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो यार इस बच्चे को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, तो मतलब अब हम जा सकते हैं ना, अब हम बलून स्किप कर सकते हैं ना। यार मुझे बहुत बड़ा खुशी हो रहा है कि मैं इस बच्चे को मतलब इन सारे बच्चों को लेके जा रहा हूँ, और मतलब बड़ी मुश्किल तक मैं इस गेम को मतलब क्लियर करके जा रहा हूँ। तो यार क्या होगा आगे, आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो है इस बच्चों को लेके जा रहा हूँ मैं। तो चल ना जल्दी चल, जो यहाँ पर मामा मामा करके जा रहा है, मैं जाके बैठता हूँ, तू आ जा खुद। मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, ये लोग, इन लोगों का क्या मतलब है? ये मतलब अभी हम जल्दी चल रहे हैं, ये देखो वहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं इसको लेके आता हूँ। इन लोगों का मतलब है अभी हम लोग जल्दी जा रहे हैं, अभी भी इन लोगों को जो है ना नून से पात्र खाना चाहिए था, मतलब हथौड़े खाने चाहिए थे।
भाई मैं और नहीं सह सकता, और मैं आप लोगों को भी लेके चलता हूँ, और जो है ना मैं खुद भी चलता हूँ। चलो यार जल्दी चलो, मुझे बहुत देर हो रहा है, मुझे घर जाना है अपना। तुम लोग भी आ जाओ। आ गए, डोर बंद कर दो यार, डोर बंद कर दो। फाइनली यार बलून स्किप करने वाले हैं, और मैंने जो है ना आज तक इतना अचीवमेंट नहीं देखा। और वो नॉन खड़ा है क्या? हेलो नॉन, हेलो। ये देखो आंखें इसका लाल हो चुके हैं, हम लोग बलून स्किप करने वाले हैं। मैंने सारे बच्चों को बचाया ना। ओ ये नॉन कहाँ जा रहा है? द मिनी गेम रूम में, यहाँ पर क्या करेगा? ओ तेरा क्या नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। अब तू क्यों हंस रहा है? तुमने तो हमने ही बचाए, हमारे 3D किड्स जो है वो यहाँ से मिट चुका है। ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू अपना अंतर कर देना सर, यहाँ से भी 3D किड्स आ चुका है। और फाइनली हम लोग बलून स्किप करने वाले हैं। सारे सब कुछ मिट गया हमारा, यहाँ से सब कुछ मिट गया। अब गेम एंड होने वाला है, और फाइनली हम बलून स्किप कर चुके हैं। ओहो क्लैंपर्स, क्लैंपर्स डेवलपर क्लैंपर्स ने इस गेम को बनाया है, बहुत ही अच्छा गेम था भाई। आप लोगों को इस गेम को ज़रूर खेलना चाहिए। और आप मुझे बताएं कि गेम आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट था हमारा यार। और मैं इस तरह के बहुत सारे गेम्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। उन सब गेम्स का सीरीज़ आप लाजमी से चेकआउट करें। बहुत मज़ा आया यार, मुझे बहुत मज़ा आया सच में। वाओ बड़ा ही अच्छा एनिमेशन था। तो यार आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये गेम हमारा सीरीज़ कैसे लगा। और फाइनली बाय।